डॉक्टर साहब, मैं देखिया है कि बहुत सारे मेरे आसपास ही बहुत सारे इस तरह के दोस्त मित्र हैगे ने, परिवारिक मेंबर, जिन्हां नूं बुखार चढ़ता ही नहीं है। वो कहिंदे ने मेनू किन्ने साल हो गए बुखार होए नूं, ते उहनां दा शरीर यानी कि फिर ज्यादा तंदुरुस्त हुंदा है। हाँ, ये क्वेश्चन जेड़ा हैगा काफी वधिया हैगा ते इस सिर्फ इस चीज नु देख के आपां ये कंफर्म नहीं कर सकते कि उनका शरीर वधिया है कि नहीं हैगा। एक्चुअली विच स्ट्रांग इम्यूनिटी होने दी कुछ निशानियां होंदियां ने, उस निशानियां वल बदन तो पहला मैं एक पॉइंट कवर करना चाहंदा, वो ये है कि जे उन्हां नूं बुखार नहीं हुंदा ते हो सकदा है कि उन्हां नूं खांसी हुंदी होए, जुकाम हुंदा होए, लैटरिन लगदियां होण, इस तरह दी चीजां उन्हां नाल हो सकदियां ने। क्योंकि किसी दी बॉडी बुखार नाल गंदगी कटदी है, किसी दी बॉडी डायरिया नाल कटदी है, सब बॉडीयां दा थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकदा है। तो जिवें मान लो लैटरिन अगर किसी नूं बार बार लग जावे, डायरिया लग जावे, तो साडे पेट विच जिहड़ी गंदगी है बॉडी मल त्याग राहीं बाहर कढ़ण दी कोशिश कर रही है। जे जुकाम लग जावे, साडे अंदर जिहड़ा रेशा बनिया होया वो रेशा बाहर कढ़ण दी कोशिश कर रही है। तो इस समय सानू अपनी बॉडी नू सपोर्ट करना चाहिदा है सफाई दे विच, ना कि उसनू दवाई खा के उसी टाइम रोक लेना चाहिदा है, क्योंकि रेशा तो बाहर निकल रहा सीगा। असी कहे नहीं आपां दवाई खा लेनी है ते उहनू अंदर ही रोक लेना है। तो जे वो गंदगी अंदर ही इकट्ठी होएगी ते अगे जाके होर वड्डी समस्या दा रूप धारण कर सकदी है। सो एक जुकाम, बिल्कुल खांसी, बिल्कुल नजला, ये बाद में जाके ब्रोंकाइटिस, अस्थमा दा रूप भी धारण कर सकदा है कि अगर आपां गंदगी नू अंदर ही भर के रखिए। तां बिल्कुल डॉक्टर साहब, आम तौर ते देखण दे विच आउंदा है जी, मैं अपने अपने शरीर दी अपनी गल कर लवां, ते जदों जुकाम हुंदा है तां कदे भी ये मन नहीं करदा कि दवाई लईए, क्योंकि एक दो वारी इदां दा एक्सपीरियंस हो चुका है, दवाई लो ते जाम हो जांदा है, फिर सिर एक तरीके दे नाल जकड़िया जांदा है। शायद सारिआं नूं भी महसूस हुंदा होएगा, वड्डे भी साडे घर दे भी कहिंदे ने कि जुकाम होवे तां दवाई नहीं लैणी, इस नूं बाहर कढ़णा है, गंदगी है। सो बड़ी चंगी जिहड़ी जानकारी हैगी है। ते डॉक्टर साहब, जदों ये सारियां बुखार होवे, चाहे जिहड़ा हैगा टट्टियां लगदियां ने, लूज मोशन लगदे ने, इहो जिहियां जदों समस्यावां आउंदियां ने शरीर दे विच, तां बहुत ज्यादा एक कमजोरी महसूस हुंदी है शरीर नूं। बुखार तो बाद तां बिल्कुल ही निढाल हो जांदा है। उस तो बाद फिर आपां नूं की डाइट है जिहड़ी, उह लैणी चाहीदी है? जां फिर जिहड़ा दूसरा सवाल इस तो बाद मेरा यह होगा कि इहनां नूं कुदरती तरीके दे नाल तुसीं दस दित्ता है कि आउण देणा चाहीदा, पर फिर भी कुछ ना कुछ तां कुदरती तरीके दे नाल इलाज होगा जिहड़ा आपां कर सकदे हां। पहला आप वो डाइट मैं पूछना चाहूंगी कि कमजोरी दूर करने के लिए की कुछ करना चाहिए। हाँ, जिवें साडी बॉडी विच फीवर आंदा है या डायरिया लगदा है ते साडी बॉडी विचों फ्लूइड लॉस हुंदा है, मिनरल लॉस हुंदा है, जिस करके कमजोरी आ सकदी है। एंड सेकेंडली, क्योंकि उस वेले आपां कुछ खा नहीं रहे हां, तो ना खाण करके, मतलब क्योंकि जब फीवर आंदा है, तुसीं देखो जब भी फीवर आंदा है ते साडे ना टेस्ट बड्स चेंज हो जांदे ने, सानू ओही रोटी जिहड़ी कल स्वाद लग रही होंदी ने उस फीवर वाले दिन स्वाद नहीं लगदी है ना, तुसीं देखिआ इस तरह। स्वाद ही नहीं आता, कोई स्वाद ही बेस्वादा हुंदा सारा कुछ। बिल्कुल। सो साडी बॉडी सानू इंडिकेट कर रही है कि हुण असी अंदरों सफाई करनी शुरू करन लगे हां, हुण तू रोटी नहीं खानी, हुण तू सानू सफाई करन दा टाइम देना है। सो मैं तुहानू दसदा कि हुंदा की है। जिस वेले सानू फीवर आंदा है वो फीवर सानू मदद कर रहा होंदा है अंदरों गंदगी साफ करन दी। हुण सानू करना की है, उस फीवर नू सपोर्ट करना है। सपोर्ट इस तरह करना है कि जल्दी तो जल्दी सफाई हो जावे ते फीवर चले जावे, फीवर करके जिहड़ी कमजोरी आ रही सी वो भी चली जावे। सो उहदे वास्ते एक बहुत ही कारगर डाइट जिहड़ी प्लान बनाई गई है, ये बहुत सारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी दे स्पेशलिस्ट ने मिलके डाइट बनाई सी, जिन्हों 3 स्टेप फ्लू डाइट कहा जाता है। और इस डाइट नाल पिछले 3 सालों विच 60,000 तो उत्ते पेशेंट्स जिहड़े ने वो ठीक हुए ने फ्लू तो। और ये बहुत वड्डी कामयाबी सीगी साडी टीम वास्ते, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स वास्ते। तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि ये डाइट किस प्रकार है, उहदा थोड़ा जिहा मॉडिफाइड वर्जन मैं दस्सांगा। तो इहदे विच करना की है, पहले दिन सवेरे 8 बजे तो लैके रात दे 8 बजे तक तुसी कोई सॉलिड चीज नहीं खानी, सिर्फ पीना है। और की पीना हैगा? नारियल दा पानी पीना हैगा। और ठीक है किन्ने ग्लास पीना हैगा वो डिपेंड करेगा, हर 1.5 1.5 घंटे बाद तुसी पीना है। यानी मान लो पहला नारियल पानी दा ग्लास तुसी 8 बजे पीता ते दूजा ग्लास ठीक साढ़े है नौ साढ़े बजे पियोगे, फिर 11 बजे, 9 बजे जी, फिर 12:30 बजे। साढ़े सो इस बारह तरह बजे 8 बजे हाँ तो जी लेकर तो इस तरह 8 बजे तो लेके रात के 8 बजे तक तुसी सिर्फ नारियल पानी पीना है या फिर साधारण ठीक पानी है पी सकते हो। ये हो गया पहले दिन की डाइट। जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सो सेकेंड डे भी जी डाइट है उहदे विच की करना है, असी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होएगा, थोड़ा जा चेंज है इहदे विच। सो सवेरे 8 बजे तो लेके 2 बजे तक असी हर 2 घंटे बाद नारियल दा पानी पीना हैगा। यानी पहला ग्लास 8 बजे हो गया, फिर 10 बजे हो गया, फिर 12 बजे हो गया, फिर दो दो बजे घंटे हो तक गया। जी हाँ, जी फिर 3 बजे के आसपास असी हुण कुछ खा सकते हैं,
पर रोटी सब्जी नहीं ठीक है खानी, दाल चावल नहीं खाना, सानू खीरे ते टमाटर दा सलाद बना के खाना है। ठीक है ठीक है हाँ, यदि क्वांटिटी जिहड़ी हैगी ओह होएगी 300 तो लैके 400 ग्राम तक, और उस तो बाद जी डेढ़ दो घंटा ठहर के यानी 4, 4:30, 5 बजे फिर अपन नारियल पानी पी सकते हैं, फिर 2 घंटे बाद नारियल पानी पी सकते हैं, और यही साडा सेकेंड डे दा डाइट हैगा। इस तो बाद आपां आईए थर्ड जी डे। थर्ड डे की करना जी है डॉक्टर साहब दोपहर दे 12 बजे तक सिर्फ नारियल पानी पीना है, यानी जिवें 8 बजे पी लिया, फिर उस तो बाद 10 बजे पी लिया, फिर 12 बजे पी लिया। हुण 12 बजे तो जी बाद असीं फिर सलाद खा सकते हैं टमाटर ते खीरे दा, 300 तो लैके 400 ग्राम तक, और फिर शाम नू एक जी गिलास नारियल पानी पी सकते हैं। और तुसीं देखोगे, कई पेशेंट्स हैरान हो जाओगे तुसीं देख के, कि अगर तुसीं इन्ना ही 2.5 दिन तक कर लिया, तुसीं तीजे दिन तक लगभग लगभग ठीक हो चुके होगे, तुहाडी बॉडी दी कमजोरी भी जा चुकी होगी। मैक्सिमम पेशेंट्स से इस तरह हो जाता है, पर अगर कोई बहुत सीवियर पेशेंट जी होए, कॉम्प्लिकेटेड केस होए, तो उन्हें थोड़ा टाइम होर लग जाता है। सो जे अगर तुसीं हुण तक ठीक हो गए, तो तीजे दिन की रात नू तुसीं घर दा बनिया शुद्ध शाकाहारी भोजन खा सकते हो। जी जी डॉक्टर साहब, मतलब 3 दिनों के विच थोड़ा जिहड़ा हैगा कुदरती तरीके दे नाल घर दे विच बैठिया बैठिया बुखार वर्गियां समस्यावां ठीक हो सकदियां ने ते तुसीं तंदुरुस्त हो सकदे हो बिल्कुल। जी।